हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, मैं अपने यूट्यूब चैनल हब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एमटीएस वैकेंसी आ चुकी है। एमटीएस क्या है, इसके बारे में हम लोग यहां पर समझेंगे और क्या जॉब प्रोफाइल है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कब इसका एग्जाम होगा, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस हैं। और यहाँ पर टोटल 8326 पोस्ट के लिए, यानी काफ़ी बड़ी पद है। पिछली बार अगर आप जानते होंगे तो बार 6000 के समथिंग जो है पोस्ट आई हुई, और इस बार पोस्ट काफ़ी बढ़ी हुई है। तो 8326 पदों के लिए आपके एमटीएस का, इसमें क्लास 10th जो है आपका पास मांगा जाता है, यानी अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 10 पास हैं तो आपकी आयु जो होनी चाहिए वह 18 से 25 वर्ष के बीच में। तो इसमें 18 से 27 के लिए भी है, 18 से 25 के लिए भी है, या आगे हम आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने वाले। आइए बात करते हैं पहले फॉर्म का, जो कौन एग्जाम कराएगा भैया। तो एसएससी का एग्जाम कक्षा 10 पास मल्टीटास्किंग है, तो यानी यह ग्रुप सी की वैकेंसी हो, कि ग्रुप सी पहले इसमें आता था, लेकिन अभी इसमें हवलदार का इसमें पोस्ट है। सीबीआईसी का हवलदार के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, क्योंकि यहाँ पे पीईटी यानी फिजिकल बहुत कल पीएसटी और पीईटी पर दोनों। आइए जानते हैं वैकेंसी के कल पोस्ट 8000 इस पदों के निकली है। 27 जून से यह फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट भरना है भैया 31 जुलाई पहर दोपहर, क्या लगभग दोपहर 11 बजे, शाम को 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक। आप रात का इंतज़ार मत करिए, 31/7 पहले यानी 31 जुलाई होने पहले आप फॉर्म भर लीजिए। सबसे पहले भरना होगा आपको यार, तो पहले भर लें, उठार के बाद आपको अप्लाई करना है। फीस की जो पेमेंट डेट है, लास्ट डेट है, वह 1 अगस्त है। 1 अगस्त आप फीस जो है पेड कर सकते हैं। वहीं करेक्शन डेट की अगर हम बात करें, 1 अगस्त के बीच, यानी आपको 2 दिन का करेक्शन डेट, यानी फॉर्म भरते समय आपने कहीं गलती कर दिया है, अपने नाम में गलती कर दिया है, या आपने एज लिखते समय गलत कर दिया है, या आपने अपना कास्ट अलग कर दिया गलत कर दिया है, या ओबीसी एससी एसटी आपने गलत कर दिया है, तो उसको सुधारने के लिए आपको करेक्शन 10 से 17 अगस्त को यह समय मिलेगा। तो फॉर्म भरते समय बड़ी सावधानी पूर्वक फॉर्म भरिएगा, ठीक है, कोई भी गलती ना करिएगा। और वहीं यह जो एग्जाम का मेथड होगा पेपर 1 का, इसमें केवल पेपर 1 ही होगा, बाकी जो हवलदार पोस्ट के लिए होगा वहाँ पर फिजिकल होगा, ठीक है। तो एग्जाम जो डेट है पेपर 1 का, यह अक्टूबर से निर्धारित किया गया है, यानी अक्टूबर में आपका यह एमटीएस का एग्जाम करा लिया जाए। आप सभी साथी को पता है कि सी का एग्जाम है, जल का एग्जाम लगा हुआ है सितंबर अक्टूबर में जल का एग्जाम लगा हुआ है, और सीजीएल के जस्ट बाद आपका एग्जाम किसका होगा, यह आपके एमटीएस का एग्जाम होगा। पेपर 2 एग्जाम डेट, पेपर 2 का मतलब यहाँ पेपर 2 नहीं होगा भैया, पेपर 2 का वह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जिनका पीएसटी है या पी यानी जो हवलदार पोस्ट अप्लाई करें वह उनके फिजिकल, ठीक है, यानी फिजिकल एग्जाम आप एक तरह फिजिकल आपका एग्जाम होगा। बाकी और क्लर्क के कई पोस्ट है जो अंतर्गत, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हो, ठीक है। चलिए अगले बात कर लेते हैं, और एप्लीकेशन की फीस क्या है। तो या जनरल और ओबीसी के लिए या और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 100 रुपये चार्ज रखा गया, यानी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, 100 रुपये का चार्ज रखा है। बाकी एससी एसटी के लिए यानी कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, जहाँ पे आप साइबर कैफे में जाएंगे वह बस जो पैसा लेगा फॉर्म। जितनी भी महिलाएं हैं ऑल फीमेल कैटेगरी के, उनके कोई पैसा नहीं देना है, कोई चार्ज नहीं है, यानी 0 रुपये, ठीक है। तो एस सी एस टी और महिलाओं के लिए, महिलाएं चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी,
चाहे एस टी हो चाहे ई डब्ल्यू, सभी के लिए यहाँ पर जीरो चार्ज है, यानी कोई चार्ज नहीं है। यह केवल चार्ज 100 रुपये है जनरल डब्ल्यू एस के लॉन्डो की, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। चलिए, पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड से भी क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते, मोड मेथड द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एस एस सी एम टी एस और हवलदार एज लिमिट बात करें, एज लिमिट की जो काउंटिंग ध्यान में रखना है, आपकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष, 25 से 27। ये 25 से 27 क्या है, तो मैं एम टी एस के, यानी यहाँ पे दो पोस्ट, एक तो एस का होगा मल्टी टास्किंग स्टाफ बोला जाता है इसके, यानी जो घर का पोस्ट होगा एम टी एस 18 से 18 से, हवलदार के लिए यानी यह 18 से देंगे। लेकिन एज की काउंटिंग कहाँ से की जाएगी, 1 अगस्त। आप सभी साथी अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, और यह जो डेट दिया हुआ है 1 अगस्त 2024, यहाँ से काउंटिंग कर लीजिएगा आपकी एज की है या नहीं, और 25 वर्ष से पहले हो तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप एस सी हैं, अगर आप एस 5 वर्ष, यानी आप कब तक भर सकते, 32, यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 वर्ष 30 साल, 18 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हवलदार के लिए 18 से 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, यानी आप 32 वर्ष की अवस्था तक भर सकते हैं। अगर वहीं आपको अट्ठाईस वर्ष आप जो है इस ही कर सकते हैं, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन जैसा बाकी डब्ल्यू एस तमाम जो है एज रिलैक्सेशन है। चलिए आइए आप देखते हैं, बात कर लेते हैं पोस्ट नेम। तो एक तो हो गया भैया मल्टी टास्किंग टेक्निकल क्लर्क के, ऑफिस में काम करने वाले जो क्लर्क होते, ठीक है, एक तरह से जैसे बाबू कहा जाता है, तो वह उसी के लिए पोस्ट, और यह पोस्ट 4087 है। और कक्षा जो है 10 आपको पास होना है किसी बोर्ड से, आप जो है क्लास 10th पास होने चाहिए, और क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास इन रिकॉग्नाइज, ठीक है। वहीं अगर हम वॉकिंग की बात करें, आपको 15 मिनट में 100 मीटर वॉक करना, ठीक है ना, यानी आपको दौड़ना नहीं है, जल्दी जल्दी रेंगना है, ठीक है, वॉकिंग करना है 15 मिनट में, आप वॉकिंग करना है, और कैंडिडेट मिनट में 1 किलोमीटर वॉकिंग करना है। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 157.5 सेंटीमीटर, कैंडिडेट हाइट है 152 सेंटीमीटर है, यह उनके लिए है। हवलदार बनेंगे, क्या बनेंगे, हवलदार बनना है, ठीक है, तो ये उसके लिए क्राइटेरिया। लेकिन जो केवल एम टी एस के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे 4887 के लिए क्लास 10th पास होना है, उनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं चाहिए। यह क्राइटेरिया और केवल और क्राइटेरिया और केवल और केवल हवलदार के लिए है, तो यह आप याद रखेंगे। और हवलदार की टोटल जो 3439 है, 26 निकली हुई है। चलिए अगला इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन। तो यहाँ पर चाहे आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर इसका मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है, तो यहाँ पे सेशन वन में यहाँ पे 2 सेशन क्या हुआ है आपका, क्या हुआ है सेकेंड दिया, ठीक है। सेशन वन में 20 क्वेश्चन आपका मैथ्स रहेगा और 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा, या 20 क्वेश्चन आपका से रहने वाला या रीजनिंग से रहने वाला, यानी 20-20 40 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न जो है आपका 3 नंबर का होगा, तो 20
आठ नंबर, आठ नंबर रहेगा। यानी आपको इसमें 45 मिनट, यानी ये कंप्यूटर आपका जब आप पेपर दे रहे होंगे ठीक है, तो 45 मिनट तक आपका केवल यही चलेगा। 45 मिनट बाद ये अपने आप कंप्यूटर ऑफ होकर के दूसरा फेज यानी सेकंड सेशन हो जाएगा। यह मत सोचिएगा कि यह पूरा आपका 45 और 45 जो है डेढ़ घंटा लगातार चलेगा, आप कहीं भी स्क्रॉल कर सकते हैं इसको, इसका मतलब इसमें आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ये भूल कभी मत करिएगा। सेशन वन 45 मिनट तक ही चलेगा, 45 मिनट आपको करने, उसके बाद जैसे ही 45 मिनट कंप्यूटर पर पूरा होगा सेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखिएगा। 25 सेशन सेकंड में क्या रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका जनरल पोर्शन और हर एक प्रश्न तीन का, तो 25 का। वहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज 25 रहेंगे हर प्रश्न जो है, यानी 150 नंबर का ये हो गया। टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो यह हो जाएगा आपका, यानी टोटल जो है 270 नंबर का आपका यहाँ पेपर होने वाला है। 45 मिनट इस वाले सेशन में यानी सेकंड में और कॉम्प्रहेंशन भी मिलने वाला है ठीक है। यानी आपको टोटल जो है डेढ़ घंटे यानी नब्बे मिनट में आपको टोटल 20 और 40 और यहाँ पे हो गया 50, यानी 90 प्रश्न ठीक है। 90 प्रश्न जो है आपको यहाँ पर करने हैं, 90 क्वेश्चन आपको करने हैं 90 मिनट, यानी हर एक प्रश्न के लिए आपको एक मिनट का समय दिया जा रहा है, तो काफ़ी प्रॉपर समय है। आप इसको बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। आप मेरे चैनल से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हब स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर MTS के लिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं ठीक है, उनको पूरा सिलेबस मिल सके। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेबस में क्या रहने वाला, क्या आपको पढ़ाई करना है, जिसके लिए आपको तैयार करना। तो इंटीजर्स एंड होल नंबर यानी पूर्णांक और पूर्णांक संख्याएं जो होता है, LCM, DCF, फ्रैक्शन, भिन्न, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स ठीक है, यानी नंबर्स के बीच में क्या रिलेशंस होता है, उसके फंडामेंटल ऑपरेशन, ऑड मॉड, परसेंट रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, समय और कार्य, डायरेक्ट एंड इनवर्स, एवरेज औसत, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी बट्टा या छूट आप कहते हो, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइंस एंड एंगल्स, इंटरप्रेशन और ग्राफ्स ऑफ डाटा, यानी DI से प्रश्न पूछे जाते हैं। DI से भाई साहब इसमें प्रश्न तीन प्रश्न पूछ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वगैरह, ये सभी आपके इस मैथ का यहाँ पर सिलेबस। भाई रीजनिंग की अगर हम बात करें, पार्ट ऑफ द जनरल, तो जन तो आपकी रीजनिंग है आपका, फॉलोइंग डायरेक्शन हो गया या समरूपता हो गया, नॉन वर्बल डायग्राम पर एज कैलकुलेशन, यह सभी आपसे जाएंगे। तो वही जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, तो जनरल अवेयरनेस में आपको ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स और एक जाएंगे जनरल साइंस, और एक बड़ा इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट, पहले एनवायरनमेंट नहीं होता था लेकिन अब एनवायरनमेंट स्टडी इसमें जोड़ क्लास टेंथ आपका यहाँ से पूछा जाएगा। वही इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यहाँ का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, वैकेबुलरी का ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर, स्ट्रक्चर ठीक है, पर्यायवाची शब्द करेक्शन रहेगा ठीक है, एंड टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, अ सिंपल पैराग्राफ में बेस्ड है, तो एक पैराग्राफ दिया हो, 5 प्रश्न भावना रहेगी, तो ये आपका स्ट्रक्चर है ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरह से समझ लीजिए कि यह तैयारी करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो जो भी साथी SSC, MTS, साथी CHSL का एग्जाम देते हैं, वो अभी फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप सभी जाइए, यानी आप अगर
अब इस टाइप नहीं ऑप्शन हम यहां पर आपको बस करवा कब आएंगे। आपका जो एग्जाम है वह अक्टूबर नवंबर का है, तो एग्जाम से पहले पहले आपका मैथ्स ट्रेनिंग इस और यस मैं आपको करा दूंगा, आप साथ ही जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको और यह आपको बिल्कुल ही चैनल पर जो है भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है, आप बिल्कुल ही तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ जो टाइमिंग होगी वह साथ ही आप ध्यान में रखेंगे, टाइमिंग जो आपकी रखी जाएगी वह 12 बजे, ठीक है, कल 12 बजे से 3 बजे तक, 12 बजे आपका लगातार क्लास चलेगा, ठीक है, 12 बजे से आपका लगातार चलेगा। पहले आपकी क्लास होगी मैथ्स की और फिर आपके GS GK का क्लास ऑलरेडी चल रहा है, तो GS GK का क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी एक अलग से बैच भी स्टार्ट करूंगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यह पूरा सिलेबस है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। अब फॉर्म अभी नहीं भरे हैं तो सभी साथी फॉर्म अप्लाई कर दें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप सभी साथी धन्यवाद, जय हिंद।